बहुत मुश्किल है भाई करना ये। ये लोग तो कहते हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट हाफ मास्क से ब्रीथ करना प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत टफ है यार। ये यहाँ पे बुलबुल है और यहाँ पे हकीम, और मधुओं की भी ट्रेनिंग ही चल रही। अभी हम लोग मकरूज में बैठे हैं और हम लोग हैवलॉक से नील आइलैंड जा रहे हैं। ये हमारी सीटें हैं। आए मकरूज से नील आइलैंड और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिल्कुल नील, मतलब टर्कोइज ग्रीन कलर का है। ये है नील आइलैंड, आप देख सकते हैं। ये भी अच्छा आइलैंड है, बहुत भीड़ बहुत है, लोग आए हैं नील से, कुछ लोग पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। पे हम लोग को घूमना है, कई सारे बीचेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं हूँ नील आइलैंड में, ये रामनगर का एरिया है, यहाँ पे कुछ रिसॉर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक्वेज होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, ये सड़क के दोनों साइड इनकी प्रॉपर्टी है। इनका रेस्टोरेंट इधर है, आइलैंड स्पाइसी रेस्टोरेंट एंड सी बाइक्स रेस्टोरेंट। इस एरिया में मोस्टली रिसॉर्ट्स के रोड के बोथ साइड प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे रिसॉर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है इनके पास। जितना राइट हैंड साइड है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं आप। ये एक्वेज का है, बीच वे कॉफ़ी शॉप, ये एक्वेज का है इधर। और ये आपको है समर सेंस का, इनकी भी सड़क के दोनों साइड प्रॉपर्टी है। ये वाटर वेट ऑर्गेनिक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, नील ओशन स्पा, बाकी रूम्स भी हैं इधर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नील आइलैंड, हमारी मकरूज थी तो हम लोग आ चुके हैं नील आइलैंड, और इसमें हमारा रिजॉर्ट है सिंफनी समर सैंड्स, इसको आप समर सैंड्स भी बोल सकते हो। तो हमारा रूम मैं जाती हूँ घुसते हैं। तो ये है बड़ा सा बेड, हमारा रूम शायद कासा अर्थ या फिर कासा एयर है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, तो तीन दोनों में से कोई रहे। और यहाँ पे है तो यहाँ बेड के ठीक सामने है टेलीविज़न, यहाँ पे है लैंप, और यहाँ पे है टेबल, और यहाँ पे सामान इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं कॉफ़ी बनाने की, और यहाँ पे है दो बॉटल पानी, और यहाँ पे लगेज रखने का एरिया, और ये ड्रेसिंग एरिया, और ये है कबर्ड में क्या आप अपने कपड़े रख सकते हो। एंड यहाँ पे है बाथरूम जिसमें कि यहाँ पे है शार एरिया, और यहाँ पे है मिरर, वॉश बेसिन, हेयर ड्रायर, और शार कैप, और बॉडी वॉश, और सारे सामान। और यहाँ पे है कमोड, यहाँ पे डस्टबिन, और इधर शायद बालकनी है। ओके एंड ओके, तो यहाँ पे भी है एक ब्लैक कलर की
चेयर और एक टेबल, चीज़ें दिख नहीं अभी दिख रही होगी, लाइट्स थोड़ी सी कम है तो हम लोग अभी अभी इंटर कर रहे हैं। तो ये है बालकनी, यहाँ पे है चेयर लगी हुई बैठने के लिए, और ये है पूल एरिया जिसमें कि भी मेरा तो मन कर रहा है जाने का, बट देखते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा रूम टूर। हेलो ये देखिए हैंगिंग ब्रिज, हिलता हुआ पुल, नील आइलैंड, हाँ उसका नाम हो गया है शहीद द्वीप। ये देखिए किस तरह ये फ्लोट कर रहा है, देखिए ओ माय गॉड मैं भेल रहा हूँ, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। ये देखिए किस तरह ये हिल रहा है, देखिए मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। चुप हिल रहा है यार ये, देख रहे हैं, देखिए